नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान इन दिनों अपनी बीमारी का लंदन में इलाज करा रहे हैं। इरफान न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में फैंस उनकी सेहत के अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगभग 2 महीने के बाद इरफान ने अपने ट्विटर से एक बार फिर ट्वीट किया है। हालांकि इस ट्वीट में उन्होंने अपनी बीमारी या सेहत को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है। इस ट्वीट में इरफान ने अपनी अगली फिल्म के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है कि शुरुआत इतनी मासूम होती है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। दिलकेर और मिथिला को कारवां में जुड़ने के लिए शुक्रिया। 2 कारवां चल रहे हैं, एक मैं और दूसरी मेरी फिल्म। हालांकि इरफान को इस बात का अफसोस भी है कि वो अपनी फिल्मों के प्रमोशन और उससे जुड़े कामों में फिलहाल शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दें कि 10 अगस्त को रिलीज हो रही आकाश खुराना की फिल्म कारवां एक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अलग अलग किरदार अपनी अपनी जर्नी के लिए एक जगह आकर मिलते हैं। इस फिल्म में इरफान के साथ पहली बार बॉलीवुड में कदम रख रहे साउथ स्टार ममूटी के बेटे दिलकर सलमान, कृति खरबंदा और मिथिला पारकर भी काम कर रहे हैं। इरफान 20 मार्च के आसपास लंदन के लिए रवाना हुए थे। इससे पहले इरफान अपनी फिल्म ब्लैकमेल का भी प्रमोशन नहीं कर पाए थे। 19 मार्च को इरफान खान के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की गई थी। इस तस्वीर में इरफान साफ तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनकी परछाई नजर आ रही थी। इससे पहले 16 मार्च को इरफान ने ट्वीट किया था। इरफान ने लिखा था कि मुझे पता है कि मुझे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन मेरे आसपास के लोगों का प्यार और शुभकामनाओं ने मेरे अंदर विश्वास जगाया है। खैर, हम तो यही दुआ करेंगे कि इरफान आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।